कोरोना वायरस जैसे संक्रमण ने देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की रफ्तार को रोक दिया है। भारत में अब तक 500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए देश के 30 राज्यों को लॉकडाउन करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही यूपी के सीएम ने भी पूरे जिले को लॉकडाउन कर दिया है। ऐसे में कानपुर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रमन गुप्ता ने, तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे कानपुर। लॉकडाउन के दूसरे दिन कानपुर में जो स्थिति है कहीं ना कहीं समान है, लेकिन अभी भी जो जनता है वो मानने को तैयार नहीं है। कानपुर पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है कि अपने घरों से ना निकले। लगातार जो कानपुर की फोर्स है, कानपुर पुलिस है, जो वाहन निकल रहे हैं उनकी चेकिंग कर रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अपने घरों से ना निकलें, एहतियात बरतें। कानपुर में भी एक मामला जब से सामने आया है तब से कानपुर प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कानपुर पुलिस, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि कानपुर पुलिस पूरी तरह से सजग है और रोडों पर ड्यूटी कर रहे हैं जो पुलिस कर्मी हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है और लगातार जो प्रयास है कि लोग अपने घर से ना निकले, लेकिन अभी भी लोग उस चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जो महामारी है वो फैल ना जाए, उस पर हर पुलिस कर्मी की नजर है। हर प्रशासन की डीएम एसएसपी खुद सड़कों पर है। आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार से पूछताछ कर रही, लेकिन अभी भी जो युवा वर्ग है या जनता है वो मानने को तैयार नहीं है आदेशों को। कानपुर पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि कोई महामारी ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कानपुर में कोई देखने को मिले। आप देख सकते हैं कानपुर पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। लगातार जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी आईडी चेक हो रही है, लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है और जो लॉकडाउन है उसका पालन नहीं कर रही है जनता। अब देखना यह होगा कितना सजग है आम आदमी। लगातार प्राइम टीवी भी लोगों से निवेदन कर रहा है, अपील कर रहा है कि अपने घरों से मत निकले। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार हम लोग ये अपील कर रहे हैं जनता से कि घरों से ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें। जनता लगातार जो प्रयास करे कि अपने घरों से ना निकले, जो बुजुर्ग हैं अपने घरों से ना निकले। कानपुर पुलिस लगातार सड़कों पर खड़े होकर प्रशासन सहयोग कर रहा है, लोगों से पूछताछ कर रहा है, लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी।